गुल्ली बुल्ली ने आज अपने लिए ऑनलाइन खाना मंगवाया है। बुल्ली कहता है कि ये बर्गर तो मेरे चेहरे जितना बड़ा है, और कमाल की बात तो ये है कि हमारे पास शॉन भी नहीं है, अभी जल्दी टूट पड़ते हैं। इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। गुल्ली कहता है कि ऐसा खाना खा के तो मैं खुशी से बावला हो चुका हूँ, बस अब सोना है मुझे। अब ये छत पर कौन है? ये तो दरिंदा शॉन है। शॉन कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली इधर तो देखो, मेरा नया प्लेन। बुल्ली कहता है कि अरे शॉन ये क्या हरकतें हैं, तुम्हें ऐसे चोट लग जाएगी। शॉन तो गायब है। गुल्ली कहता है कि कहां गया वो, मैंने उसको छलांग लगाते देखा है। शॉन तो सच में उड़ने लगा है, ये दोनों भी इसे देख के बहुत हैरान हैं। बुल्ली कहता है कि ये कैसे मुमकिन है शॉन, क्या तुम मेरे लिए भी एक ऐसा प्लेन बना दोगे? शॉन कहता है कि बिल्कुल, फिर हम तीनों साथ में उड़ पाएंगे। शॉन ने इन दोनों के लिए भी प्लेन बना दिया। गुल्ली कहता है कि क्यों ना इसी बात पे एक रेस हो जाए, देखते हैं कौन सबसे आगे तक जाता है, और जो आखिरी आएगा उसको पूरे घर की सफाई करनी होगी। शॉन दोनों से आगे निकल आया है। ये रुक के दोनों का इंतजार करने लगा। गुल्ली बुल्ली मैं जीत गया, अब तुम दोनों मेरे नौकर हो, हे हे। ये तो सीधा पानी में गिर गया। ये दोनों भी यहाँ आ गए हैं। बुल्ली कहता है कि शॉन कहाँ है, वो तो हमारे सामने ही था ना। तभी इनकी नजर शॉन के डूबते प्लेन पे जाती है। दोनों फौरन शॉन को बाहर निकालते हैं। गुल्ली कहता है कि सामने एक गांव है बुल्ली, चल के हम वहीं रुकते हैं। दोनों शॉन को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन पे तो पुराने मोजों का असर भी नहीं हुआ। बुल्ली तुम गांव में किसी को ढूंढो, तब तक मैं इसके साथ ही हूँ। बुल्ली घर के पास आ रहा है। ये कहता है कि कोई है क्या घर में, हमें मदद चाहिए, लगता है इसमें के लोग कहीं गए हैं। ये दूसरे घर पे जा रहा है। कोई सुन रहा है क्या, हमें थोड़ी मदद की जरूरत है, इस घर में कोई है? इसने तो बुल्ली पे हमला कर दिया। बुल्ली कहता है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कहता है कि तुम तो कोई शैतान नहीं लग रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई दवा है जो हमारे बेहोश दोस्त को ठीक कर सकती है? अरे बिल्कुल, मैं किसी डॉक्टर से कम थोड़ी हूँ, जल्दी चलो। इसने शॉन को सच में ठीक कर दिया। गुल्ली कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं यहाँ से। ये कहता है कि इतनी रात में यहाँ से जाना सुरक्षित नहीं है, तुम्हें जल्दी कहीं छिपना चाहिए इससे पहले वो लोग आ जाए यहाँ। ये फौरन जाके घर में छिप गया। इन तीनों को इसकी हरकतें कुछ समझ नहीं आ रही है। रात होने की वजह से इन लोगों ने भी यहीं रुकने का फैसला किया है। शॉन कहता है कि तुम दोनों बहुत गोल मटोल हो, ऊपर से लुढ़क मत जाना नीचे। तीनों सो गए हैं। करीब आधे घंटे के बाद यहाँ एक अजीब सी बदबू आने लगी। ये तो एक असली मम्मी है, और ये यहीं आ रही है। इसने भी मम्मी को देख लिया। ये तो आके इसके दरवाजे पे ही खड़ी हो गई है। इसका शोर सुन के बुल्ली की नींद खुल गई है। ये सामने का नजारा देख के कहता है कि गुल्ली शॉन जल्दी आके खोलो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। शॉन कहता है कि तू इसके बारे में चेतावनी दे रहा था, लगता है मम्मी उसको लेने आई है। यहाँ दो और मम्मीज आ गई। गुल्ली कहता है कि इन पे उड़ने वाला हेलमेट कहाँ से आया, मुझे भी एक चाहिए। दोनों इसके पास आ गई। दूर हटो, हम दरवाजे को तोड़ देते हैं। बुल्ली कहता है कि हमें कुछ करना होगा, वरना वो मम्मीज के हाथों मारा जाएगा। शॉन ने दोबारा एक प्लेन बना दिया। ये कहता है कि गुल्ली बुल्ली हम इसकी मदद से उड़ के उनपे हमला कर सकते हैं। बुल्ली कहता है कि मैं जाता हूँ उनका ध्यान भटकाने, तुम दोनों उसको घर से लेके निकल जाना। ये इसके पीछे ही आ गया। दोनों फौरन नीचे आ गए। गुल्ली कहता है कि जल्दी बाहर निकलो, हमें यहाँ से भागना होगा इससे पहले मम्मीज वापस आ जाएं। तीनों इधर से भागने लगे। मम्मीज गुल्ली के पीछे ही हैं। गुल्ली बैलेंस खो के नीचे गिर गया। मम्मी कहती है कि अब मेरे बदले की बारी है।
अब हम इसे अपने अड्डे पे लेके चलते हैं। इसका सारा खून लेके हम इसको खा जाएंगे। ये तीनों फौरन बाबा के ही घर आ गए हैं, लेकिन बाबा भी ध्यान में हैं। ये लोग इन्हें उठा नहीं सकते हैं। तीनों इनके उठने का इंतजार कर रहे हैं। शॉन कहता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये कहता है कि मेरा नाम राजू है, राजू द डॉन। तभी बाबा भी ध्यान से उठ गए। ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग बाबा को सारी बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक है, तुम लोग मुझे वहाँ तक का रास्ता दिखाओ। ये कौन आ गया यहाँ पे? तुम्हारा दोस्त मरने वाला है, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ और इसे बचा लो। बाबा कहते हैं कि तुम हो कौन और तुमने उसे क्यों पकड़ा है? मैं तुम्हारे दोस्त का मौत हूँ। बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तो इसके आर पार हो गए। अमीज ने बुल्ली को बेहोश करके रखा है। ये कहते हैं कि इसको कहीं रखना होगा ताकि ये यहाँ से भागे ना। हाँ, तभी तो हम इसे यहाँ लाए हैं। दलदल में फेंको इसको। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, इतना दिमाग कहाँ से आ गया तुम में? बुल्ली धीरे धीरे होश में आने लगा। खुद को दलदल में देख के ये बहुत डर गया है। कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। ये मम्मी यहाँ से जा रही है। इसके सामने एक बेल पड़ी है, अगर इसको पकड़ लेगा तो ये बच सकता है, मगर ये तो लगभग पूरा डूब चुका है। ये तो बुल्ली और राजू द डॉन हैं। इन लोगों ने इसे बचा लिया। बुल्ली खुद को जिंदा पाके बहुत खुश है। गुल्ली कहता है कि वो मम्मीज कहाँ हैं? बाबा भी रास्ते में ही हैं। वो तीनों मुझे दलदल में फेंक के कहीं चली गई थी, मगर ये सब इनका जाल था। ये तो वही है जो बाबा के घर था, और इन सभी ने हथियार ले रखे हैं। घेर लो इनको। ये तीनों फंस चुके हैं। दोस्तों, क्या होगा बागी की स्टोरी में? क्या गुल्ली बुल्ली और राजू इन मम्मीज से बच पाएंगे, या फिर बाबा के आने से पहले ये तीनों मारे जाएंगे? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।